जूही थाना क्षेत्र में शौदे की कारगुजारियों से परेशान एक महिला ने स्थानीय थाने में सुनवाई न होने से आजिज आकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दर पर गुहार लगाई, जिसके बाद एसएसपी डीआईजी द्वारा महिला को शौदे के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही करवाने का आश्वासन दिया गया। आपको बताते चलें कि थाना जूही क्षेत्र में रक्षाबंधन के दिन एक महिला के साथ उसी के मोहल्ले के दाऊआ उर्फ राहुल ने छेड़छाड़ की थी, जिसकी शिकायत महिला द्वारा थाना जूही में की गई तो पुलिस द्वारा आरोपी को पकड़कर थाने लाया गया, पर पुलिस ने चेतावनी देकर उक्त शौदे को छोड़ दिया। दोबारा महिला के साथ ऐसी घटना न होने का पुलिस के द्वारा आश्वासन भी दिया गया, लेकिन थाने से तुरंत छूट जाने से उस शौदे के हौसले और भी बुलंद हो गए और वो दोबारा प्रतिदिन महिला को प्रताड़ित करने लगा और रात में आते जाते वक्त महिला से अश्लीलता और छेड़खानी करने लगा, जिसकी शिकायत दोबारा महिला द्वारा थाने में की गई, पर उस शौदे पर कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की गई। क्या घटना हो गई आपके साथ? घटना सर ये हुई है कि राहुल नाम का लड़का मुझे बहुत परेशान करता है, मुझे जीना हराम करके रखा है और हम उससे मना करते हैं कि मेरा पीछा ना करो नहीं तो पुलिस की शिकायत कर देंगे, फिर भी मुझको जान से मारने की धमकी देता रहता है, जब भी देखो जान से मारने की धमकी देता है। हाँ, हमने पुलिस को सूचना दी है, लेकिन पहले हमने सूचना दी थी, पुलिस ने तो समझा बुझा करके समझौता करा दिया सर, लेकिन अब दोबारा फिर वही घटना हो रही है। क्या कर रहा है आपके साथ? सर जहाँ मिलता है बदतमीजी करता है, गाली बकता है, गंदी गंदी बात बोलता है, हाथ पकड़ लेता है, गाड़ी में टक्कर मारता है। इसकी पुनः सूचना आपने पुलिस प्रशासन को दी है? हाँ सर दी है। क्या कार्रवाई हुई दोबारा? सर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है सर। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कल आना। आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं बस कि हमको परेशान ना करे सर। अब इसकी कार्रवाई आपने किसी उच्च अधिकारी से की है? हाँ सर, आज ही हमने, इतने दिन से हम परेशान हो रहे हैं, आए दिन चक्कर लगा रहे हैं, आज ही हमने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास गए हैं और अपनी मतलब एप्लीकेशन लगा के आए हैं। क्या बोला उन्होंने? सर बोले परेशान मत हो, न्याय बिल्कुल मिलेगा।